नमस्कार दोस्तों, टाइगर 3 मूवी रिलीज हो चुकी है। भाई सलमान खान के जिस अवतार का लोग वेट कर रहे थे वो उस अवतार में अब प्रकट हो चुके हैं। दोस्तों टाइगर 3 में सरप्राइज ही सरप्राइज है। दोस्तों हमने पहले ही कहा था कि टाइगर 3 में ऐसा एक्शन होने वाला है जो बॉलीवुड में आज तक कभी नहीं हुआ। फिल्म में हर 10 मिनट बाद फुल एक्शन ही एक्शन है। दोस्तों इस मूवी में एंट्री और कैमियो बहुत जबरदस्त है। दोस्तों हम बात करें सलमान खान की एंट्री की, तो अलग अलग कैमरा एंगल लेकर ये एंट्री बहुत जबरदस्त शूट की है। उसके बाद हम दोस्तों बात करें शाहरुख खान के कैमियो की, तो पठान में जैसे सलमान खान का कैमियो था उससे ये जरा फीका ही लगा। और तीसरी बात दोस्तों सबसे खतरनाक, वो है ऋतिक रोशन का कैमियो। हाँ दोस्तों सलमान की एंट्री और शाहरुख के कैमियो से भी इनका बहुत बड़ा कैमियो रहा। तो अब बात करें मूवी की, तो दोस्तों टाइगर 3 की स्टोरी थोड़ी एवरेज ही लगी। दोस्तों मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा बोर होता है, लेकिन सेकंड हाफ मूवी का एकदम जबरदस्त है। दोस्तों अब बात करें सलमान खान की, तो उन्होंने मूवी में एक्शन वगैरह इस बार बहुत यूनिक किया है। तो अब बात करें इमरान हाशमी की, तो सलमान को उन्होंने कड़ी टक्कर दी है। इमरान हाशमी को इस फिल्म में और भी खतरनाक दिखाया जा सकता था। तो दोस्तों इन सब में कटरीना कैफ की एक्टिंग और एक्शन इन सब में बेहतर थे। मतलब इस बार कटरीना कैफ ने बहुत धमाका ही किया है। वैसे ओवरऑल दोस्तों फिल्म बहुत अच्छी है, पर्सनल रिवेंज का कुछ स्टोरी में दिखाया गया है। तो दोस्तों आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे रिव्यू देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।